नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? ए सुशील मोदी, बी अश्विनी चौबे, सी राजेश कुमार या डी शहनवाज हुसैन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बीहपुर जयरामपुर के गुवारी डी में मिले पुरातात्विक अवशेष, विधायक ने स्थल का किया निरीक्षण, सीएम को दी जानकारी। बिहार विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार सैलन ने सोमवार को जयरामपुर के गुवारी डी टीले से मिल रहे पुरातात्विक पुरावशेषों का जायजा लिया। बीहपुर विधायक ने सर्वप्रथम जयरामपुर हाई स्कूल के पास ग्रामीण अविनाश द्वारा संग्रहित किए गए बड़ी मात्रा में पुरातात्विक पुरावशेषों का अवलोकन किया, फिर कोसी तट पर स्थित ग्वारी डीह टीले पर जाकर भी वहां का जायजा लिया। वहीं उन्होंने मृत भवन, पुराने सिक्के, घड़ा व बड़े चूल्हे का आकार व करीब 10 फीट मोटी दीवार आदि देखने को मिला। विधायक ने इस बात की जानकारी तुरंत मौके पर से ही सीएम कार्यालय को दिया है, जिसे कुछ बाद ही सीएम कार्यालय से सीएम नीतीश कुमार का फोन विधायक को आया। विधायक श्री सैलन ने सीएम को यहां के करीब 2500 साल पहले समृद्ध व विकसित हुई संभवतः चंपा सभ्यता से मिल रहे अवशेषों की जानकारी दी है। ऐसे तो मीडिया के माध्यम से जब हम विधायक नहीं भी थे तब भी इसको बहुत ही ध्यान से देखते थे, लेकिन उस वक्त जो है हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। और मेरे क्षेत्र का ये जयरामपुर का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल रहा है पहले भी, पुराने ज़माने में, जिसको हम लोग गुवारी डीह कहते हैं। और आज जो है खासकर अविनाश जी और इसकी टीम ने मिलकर इतना कोसी के किनारे में इतना कटाव स्थल है, कट भी रहा है, उसके बावजूद भी एक एक ऐसा चीज़ इन्होंने निकाला है जो लगता है देखने से कि 1000 से 2000 साल पुराना, यानी हमको लगता है कि चंपा से कहीं ना कहीं रिलेशन है, नाथनगर के चंपा से। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और समय लेकर, हमको लगता है कि बहुत जल्द समय लेंगे और इस पर विशेष जो वहाँ की टीम है वो आएगी और उसकी जाँच करेगी। ये जो टीला है सर, तो ये कटाव प्रभावित है, तो तत्कालिक रूप से इसको बचाने के लिए क्या सर कार्रवाई हो? देखिए अभी हम तुरंत अभी फ्लड के विभाग से आपके सामने में हमने बात किया है और इसको तुरंत कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए हम सरकार के माध्यम से इसका तुरंत ना कुछ हम एक महीने के अंदर में इसका कुछ ना कुछ हम उपाय करेंगे। धन्यवाद, हो गया ना। आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान, चूँकि हमारे गांव के ही अविनाश जी हैं, काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, ये गुवारी डी में जो देखे हम लोग स्थल निरीक्षण किया आज, और पूरा पूरा तात्विक अवशेष, मैंने जिधर ही खोते उधर ही हड्डी मिल गया, कहीं पैसा मिल गया, कहीं सांप का मुंह मिल गया, कहीं मतलब डिफरेंट। इसको बचाने के लिए हम लोग आज सबसे बातचीत भी किए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी संवाद करने का प्रयास हम लोग किए हैं और हमको समय मिलेगा हम ये सब चीज़ ले जाकर उनको दिखाएंगे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। किसान चौपाल से कृषि कानून के हर पहलू से अवगत कराएगी भाजपा। किसान बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएगी और बिल से संबंधित हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। सोमवार को भाजपा कार्यालय नवगछिया में भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कृषि बिल को लेकर जानकारी दी गई। नवगछिया रंगरा के सधवा चापर गांव में अपराधियों ने किसान को गोलियों से भून डाला। रंगरा के सधवा चापर गांव में देर शाम 7 की संख्या में अपराधियों ने 56 वर्षीय किसान कृष्णदेव साह को गोलियों से भून डाला है। घटना के तुरंत बाद किसान की मौत हो जाने की बात कही जा रही है। मृतक को सीने, पेट, जांग और गुप्तांग पर
कई गोलियां मारी गई है। गोलीबारी के क्रम में मृतक का छोटा पुत्र हरिशंकर भी आंशिक रूप से घायल हो गया। अपराधियों द्वारा 20 चक्र फायरिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना का कारण डेढ़ कट्टा जमीन का विवाद बताया जा रहा है। घटना में गांव के ही सरोज और महाराणा नाम के दो युवकों का नाम सामने आ रहा है, जबकि वारदात में कुल 7 अपराधी शामिल थे। वहीं परिजनों ने बताया कि देर शाम 7 की संख्या में हथियार से लैस होकर अपराधी एकाएक घर घुस गए। घर घुसने का विरोध करने पर अपराधी ने पहले मृतक के पुत्र की पिटाई की, इसके बाद किसान कृष्णदेव शाह के पास आकर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। जब घर के महिला सदस्यों ने रोका तो अपराधी ने उन लोगों के साथ भी पिटाई करने और गोली मारने की धमकी दी। वहीं पूछे जाने पर थानाध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि घटना में शामिल अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालपुर नए कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन का प्रखंड मुख्यालय में धरना। नए कृषि बिल के विरोध में व भारत बचाओ मुहिम के तहत महागठबंधन द्वारा प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा लाया गया किसान बिल किसानों के लिए काला कानून है। वहीं आर्थिक तंगी के कारण किसान आत्महत्या के लिए विवश हैं। SSP को समाप्त कर गरीबों को मिलने वाली खाद आपूर्ति को समाप्त करने की साजिश किया जा रहा है। किसानों से 5 रुपए प्रति किलो आलू खरीद कर 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन में वर्षा व बाढ़ का पानी जमा होने के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन में किसान खेती नहीं कर पाते हैं। राशन की राशन, PM आवास, जल नल योजना, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण आदि में बिचौलियों के बोलबाला होने की जानकारी दी गई। इस सभा को राजद के वरिष्ठ नेता शैलेश कुमार, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल अलखनी रंजन पासवान, प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित कई अन्य ने संबोधित किया। मौके पर बड़ी संख्या में महागठबंधन के लोग उपस्थित नजर आए। नवगछिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोपालपुर को मिला प्रखंड रंगरा का अतिरिक्त प्रभार। नवगछिया के रंगरा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुप्त नारायण सिंह के असामयिक निधन हो जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर ने तत्काल प्रभाव से गोपालपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा को रंगरा का अतिरिक्त प्रभार दिया है। BRC रंगरा चौक में योगदान के उपरांत विजय कुमार झा ने कहा कि COVID-19 के कारण पठन पाठन स्थगित है। फिलहाल विभागीय कार्यों के स्वसमय संपादन, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण को प्राथमिकता दिया जाएगा। उक्त जानकारी BRC रंगरा चौक के वरीय प्रखंड साधन से भी मुकेश मंडल ने दिया है। ढोलबजा फूल कुमार अकेला बने अंगिका भाषा के पूर्णिया जिलाध्यक्ष। ढोलबजा के शांति नगर निवासी फूल कुमार अकेला को भागलपुर के अंगिका संसद सह कार्यकारिणी अध्यक्ष कैलाश ठाकुर ने उन्हें अंगिका भाषा के पूर्णिया जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। कैलाश ठाकुर ने कहा कि अकेला अंगिका के बैनर तले अंगिका भाषा की जन जागृति, पठन पाठन, लेखनी, संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन कार्य में कुशल नेतृत्व करेंगे। वहीं उनके मनोनयन पर इलाके में अंगिका के अन्य सदस्यों ने बधाई दी है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोतीपाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295 830 773।
93 043 67 170। बिहपुल में पैदल मार्च, नुक्कड़ सभा, रेलवे स्टेशन गोलंबर पर नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। अपने हक व हितों की रक्षा के लिए हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को बहुजन स्टूडेंट व सोशलिस्ट युवजन सभा ने बिहपुर में पैदल मार्च व नुक्कड़ सभा किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन गोलंबर पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन एवं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के महासचिव गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि यह देश किसानों का है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसान के खिलाफ है। सरकार पूंजीपति व बड़े उद्योग घराने जैसे अंबानी अडानी जैसे लुटेरों के साथ है। डोलवजा, शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। डोलवजा के कदवा पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर रविवार की देर रात थाना क्षेत्र के बालूघाट समीप शराब के नशे में एक युवक को हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत लवा लगाव निवासी आनंदी सिंह के पुत्र विजय सिंह है, जिसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया के रंगरा में मास्क नहीं पहनने वाले 5 लोगों से पुलिस ने वसूला 250 रुपए जुर्माना। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के N36 कुमारपुर चौक पर कोरोना से बचाव के लिए चलाए गए मास्क जागरूकता अभियान में मास्क न पहनने वाले कुल 5 लोगों से 250 रुपए जुर्माना की राशि वसूल की है। देर शाम पुलिस ने मास्क जाँच के साथ साथ वाहन जाँच अभियान भी चलाया, जिसमे खासकर हेलमेट न पहनने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। आइंदा अगर बिना हेलमेट के दिखाई दिए तो पुलिस कार्रवाई को बाध्य हो जाएगी। वहीं रंगरा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के प्रति बहुत से लोग अभी भी पूरी तरह से लापरवाह हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। नारायणपुर वीडियो ने BLVC का किया बैठक। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय नारायणपुर में सोमवार को वीडियो हरिमोहन कुमार के नेतृत्व में BLVC ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी का बैठक किया। बैठक में विभिन्न बैंक के शाखा प्रबंधक ने भाग लिया। बैंक में यूको बैंक, ग्रामीण बैंक, PNB बैंक, स्टेट बैंक के मैनेजर एवं पदाधिकारी ने बैठक में KCC ऋण सहित विभिन्न योजनाओं के लाभुकों का स्वसमय भुगतान, ऋण वसूली, सुरक्षा बीमा योजना, पेंशनर समाज के बुजुर्ग के साथ कस्टमर संबंधित विभिन्न समस्याएं व अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93 043 67 170। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं AC ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स,
सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने नवगछिया।